नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं स्मार्ट प्रोडक्ट कैफे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है और आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग इस त्यौहार के दिन अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए और अपने घर के लिए बहुत सारी खरीदारी करते हैं। साथ ही साथ इस दिन हमारे घर पर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और मिठाइयाँ भी लाई जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये सभी पकवान और मिठाइयाँ खाने में टेस्टी तो होते हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत सारे ऑयल और घी का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, क्यों ना इस दिवाली जब आप कुछ नया परचेज करने की सोच ही रहे हैं तो एक ऐसा किचन अप्लायंसेस अपने घर पर लेकर आएँ जिसकी हेल्प से आप ये सभी पकवान और मिठाइयाँ बना सकें जो खाने में टेस्टी भी हों और आपकी सेहत के लिए लाभदायक भी हों। और वो किचन अप्लायंसेज है एयर फ्रायर। एयर फ्रायर में भी फिलिप्स एयर फ्रायर जो 90% ऑयल कम यूज़ करता है और रैपिड एयर टेक्नोलॉजी जैसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारी टेस्टी टेस्टी एंड हेल्दी डिशेज बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिलिप्स के इस एयर फ्रायर का डिटेल में रिव्यू करूंगा और आपको इसकी वर्किंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको गुलाब जामुन भी बनाकर दिखाऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यानी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है फिलिप्स का एयर फ्रायर जिसका मॉडल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसका मैट फिनिश ब्लैक कलर मेक्स इट मोर प्रीमियम स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। अगर आपकी किचन सेल्फ पर यह होगा तो सब जरूर पूछेंगे इसके बारे में। खैर, इसकी फूड बास्केट कैपेसिटी है 4.2 लीटर की और ये आपको 6.2 लीटर कैपेसिटी में भी मिल जाता है। इसके अंदर आपको 1500 वॉट की पावर मिल जाती है और वारंटी मिल जाती है 2 ईयर की। ये है इसका टेम्परेचर सेट करने का डायल, यह है इसका टाइम सेट करने का डायल और यह है इसका हैंडल जहाँ से आप इसकी फूड बास्केट को बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि जब मार्केट में इतने सारे ब्रांड के एयर फ्रायर हैं तो वाई फिलिप्स एयर फ्रायर? तो दोस्तों, फिलिप्स ही वो ब्रांड है जिसने सबसे पहले एयर फ्रायर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया था और इस समय ये वर्ल्ड का और इंडिया का नंबर 1 एयर फ्रायर ब्रांड है। इसके अंदर आपको इनकी पेटेंटेड रैपिड एयर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको यूनिक स्टारफिश डिजाइन देखने को मिल जाता है जिससे हॉट एयर 360 डिग्री यूनिफॉर्मली रोटेट करती है और आपके खाने को इक्वली हर साइड से बिना तेल के अच्छे से पका देती है, जिससे आपका खाना हर साइड से एकदम परफेक्ट कुक होता है। और फ्लिप्स ने भी अपनी वीडियो में ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। दोस्तों, थोड़ा और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एयर फ्रायर एक कुकिंग अप्लायंसेस है, यानी इसके अंदर खाना पकता है। अब खाना कितना टेस्टी बनेगा ये डिपेंड करता है कि वो कैसे पका है। सो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी जब स्टारफिश डिजाइन के साथ मिलकर हॉट एयर को घुमाती है तो उसका सीधा असर खाने के पकने पर होता है और इसीलिए बाकी एयर फ्रायर के मुकाबले फिलिप्स एयर फ्रायर में खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। और दोस्तों, खाना टेस्टी ना हो तो उसको पकाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। दोस्तों, फिलिप्स का ये एयर फ्रायर अमेजोन पर एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है और इसमें आपको 4.4 की एवरेज स्टार रेटिंग मिल जाती है, जिससे आप इसकी बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और ये कस्टमर को कितना पसंद है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये एयर फ्रायर 90% ऑयल कम यूज़ करता है, यानी जो इसमें खाना बनेगा वो आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा। साथ ही साथ ये एयर फ्रायर 70% इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ओवन, जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं बढ़ेगा। यानी दोस्तों, इस एयर फ्रायर में आपको फिलिप्स जैसे ब्रांड का भरोसा मिलता है, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है और ये एयर फ्रायर आपके फूड को पकाने के लिए ऑयल एंड पावर का भी कम यूज़ करता है। इसीलिए आपको फिलिप्स का एयर फ्रायर लेना चाहिए कंपेयर टू अदर एयर फ्रायर इन द मार्केट। दोस्तों, इसके कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो यदि आप उन लोगों में से हैं जो कुकिंग करते समय टाइम और टेम्परेचर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, तो फिलिप्स की तरफ से आपको एक फ्री होम आईडी ऐप का सपोर्ट मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इस एयर फ्रायर में 100+ से भी ज़्यादा डिशेज बना सकते हैं और उनकी रेसिपी देख सकते हैं। इसमें आपको 12-in-1 कुकिंग फंक्शन मिल जाता है, जिसकी हेल्प से आप फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट, टोस्ट, डिफ्रॉस्ट, सॉटे, डिहाइड्रेट, रीहीट और बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इनफैक्ट आपकी किचन में कुकिंग से रिलेटेड अधिकतम काम बड़े ही आसानी से और बड़े ही कम समय में हो जाएंगे। दोस्तों, इस एयर फ्रायर की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 4700 के आसपास और यदि आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक वैल्यू फॉर मनी एयर फ्रायर है। दोस्तों, ये तो बात हुई फिलिप्स के इस एयर फ्रायर की टेक्निकल और स्पेसिफिकेशन की। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के त्यौहार पर स्वीट्स और मिठाइयों की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है,
और हाई डिमांड के चलते आपको अच्छी क्वालिटी की स्वीट्स मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन इस ओवन की हेल्प से आप स्वीट्स घर पर ही बना सकते हैं जो खाने में टेस्टी भी होंगी और आपकी सेहत के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए इस एयर फ्रायर में हम गुलाब जामुन बनाकर देखते हैं। दोस्तों इस रेसिपी को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप होल व्हीट आटा। इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 बड़े चम्मच देसी घी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये आपका प्री मिक्स तैयार हो गया। अब इसके बाद 1/2 कप दूध लेंगे और उसकी हेल्प से धीरे धीरे मिक्स करते हुए इसके दो को तैयार कर लेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस दो को 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब जब तक दो तैयार होता है तब तक हम सुपर सिरप या फिर चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए हम 1 कप शुगर लेंगे और उसको 1 कप पानी में मिक्स कर लेंगे और इस मिश्रण को मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा केसर और इलायची पाउडर मिला देंगे फ्लेवर के लिए। अब इसको हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे जब तक चाशनी तैयार नहीं हो जाती। आप देख सकते हैं चाशनी तैयार हो गई है और यहाँ पर हमारा दो भी तैयार हो गया है। इसके हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। अब एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए 160 डिग्री टेम्परेचर पर ऑन करके छोड़ देंगे, जिससे एयर फ्रायर प्री हीट हो जाएगा। अब हम फूड बास्केट में छोटे छोटे बॉल्स को रख देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए ऑन कर देंगे। आफ्टर 5 मिनट आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन थोड़े थोड़े सिक गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ब्रश की हेल्प से लगा देंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और फिर से इसको 6 मिनट और 180 डिग्री टेम्परेचर पर ऑन करके छोड़ देंगे। अब 6 मिनट हो गए हैं, अब इसको खोलते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे से सिक गए हैं। अब इन सभी गुलाब जामुन को हम चाशनी में डालकर कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और आफ्टर 30 मिनट आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन का कलर कितना अच्छा आ गया है और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये खाने में टेस्टी भी हैं और आपके शरीर के लिए भी हेल्दी हैं। और इसी तरह आप इस एयर फ्रायर में बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। दोस्तों कंक्लूजन की बात करें और यदि इस वीडियो को मैं समराइज करूँ तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एयर फ्रायर क्या होते हैं, क्यों आपको फिलिप्स का एयर फ्रायर लेना चाहिए और कैसे आप एक एयर फ्रायर में चटपटे पकवान के साथ साथ स्वीट्स और मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस दिवाली एक एयर फ्रायर लेना चाहते हैं तो फिलिप्स का एयर फ्रायर बेस्ट ऑप्शन है अवेलेबल इन द मार्केट। यदि आप इसको ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यदि आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी मार्केट में इसको सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, नमस्कार।